ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ थर्ड टाइम ऐसा हुआ है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं मदरबोर्ड, प्रोसेसर और रैम, और इसके साथ को मिला है सीपीयू फैन। तो इसका हम जल्दी से करते हैं अनबॉक्सिंग और साथ में मैं आपको ले चलता हूँ अमेज़ॉन की साइट पे। तो गाइस, हम अभी पहुँच गए अमेज़ॉन की साइट पे। तो हमने ये मंगवाया है ज़ेब्रोनिक्स H55 चिपसेट मदरबोर्ड किट विद प्रोसेसर इंटेल कोर i3 2.9 GHz प्लस 4 GB DDR3 रैम प्लस CPU फैन। मैंने मंगवाया है 7399 इसकी प्राइस है। तो इसके साथ आपको दिख रहा है फैन, रैम, CPU और मदरबोर्ड। तो इसका हम करते हैं अनबॉक्सिंग और क्या क्या मिलते हैं देखते हैं इसमें। इसमें वारंटी 1 ईयर मैनुफैक्चरिंग वारंटी है। तो इसके साथ अभी बॉक्स में क्या मिलता है देख लेते हैं। गाइस, ये है प्रोडक्ट का आउटर पैकेज जो हमको मिला है। तो हम इसका आप देख सकते हो ये पूरा पैकिंग के साथ है। मैंने अभी इसको ओपन नहीं किया, तो सबसे पहले हम करते हैं इसको ओपन, इसमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे ऐसे रैप करूँगा, कट किया मैंने। कट करने से सबसे पहले ये मिला है मुझे, सबसे पहले ये मिला है जो मैंने मंगवाया, उसको कर दे साइड में। तो इसके साथ ये पूरा रैपिंग के साथ मिला हुआ है। मेरे को क्या क्या मिलता है इसमें देख लेते हैं अभी। इसका मैं ओपन जल्दी से कर लेता हूँ। मैं इसका जल्दी से इसका रैपिंग ओपन कर लेता हूँ। मैं पहली चीज़, ये सेकंड हैंड एक मदरबोर्ड है, ना तो मेरे को रैम मिला है ना प्रोसेसर मिला है। ये आप देख सकते हो कैसे ये फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। ये मदरबोर्ड मिला है सेकंड हैंड मदरबोर्ड, जो एक्चुअली में मैंने मंगवाया था मदरबोर्ड सीपीयू रैम प्लस प्रोसेसर। ये आप देख सकते हो कैसा ये फ्रॉड है हुआ है। तो गाइस, हमको मिला है ये। हमने क्या क्या मंगवाया था इसमें आपको मैं फिर से दिखाता हूँ मैंने क्या क्या मंगवाया था। इसमें अमेज़न की साइट पे लिखा हुआ है ज़ेब्रोनिक्स H55 चिपसेट मदरबोर्ड किट विथ प्रोसेसर इंटेल कोर i3 2.9 GHz प्लस 4 GB DDR3 रैम प्लस CPU फैन। इसमें से मेरे को कुछ मिला नहीं है और ये है एक सेकंड हैंड मदरबोर्ड। और ये मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ थर्ड टाइम ऐसा हुआ है। मैंने लास्ट अप्रैल में मैंने एक मदरबोर्ड मंगवाया था, उसकी कॉस्ट मदरबोर्ड कॉम्बो मंगवाया था, उसकी कॉस्ट अराउंड 3500 से 4000 के बीच में थी। उस टाइम वो चला था लेकिन इतनी क्वालिटी मेरे को अच्छी नहीं लगी तो मैंने वापस किया। उसके बाद अगेन मैंने लास्ट मंथ सेम मदरबोर्ड मैंने मंगवाया कॉम्बो, तो वर्क नहीं किया, तो मैंने उनको रिटर्न किया। तो उसके सामने मुझे सिर्फ मदरबोर्ड मिला एक्सचेंज में। एक्चुअली में मैंने पूरा कॉम्बो मंगवाया था, मैं आपको इसका भी इसमें दिखाऊंगा मैंने आगे भी क्या मंगवाया हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब यही है सिर्फ कि अमेज़ॉन से जो चीज़ मंगवाई है मैंने वो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और ये थर्ड टाइम फ्रॉड हुआ है। पता नहीं क्या कैसे ये अमेज़ॉन एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये मेरी कॉस्ट देख लो 7500 कॉस्ट है अप्रॉक्स। तो उसके सामने मेरे को मिला है सिर्फ मदरबोर्ड, वो भी सेकेंड हैंड मदरबोर्ड। आप देख रहे हो पूरा का पूरा सेकेंड हैंड मदरबोर्ड है, तो उसका करने का क्या। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ये सबको जानकारी मिले कि आप ऐसी चीज़ अगर मंगवाते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, जो मेरे साथ हुआ है।
तो अभी हम कस्टमर केयर में उसको फ़ोन करते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम का भी रिकॉर्ड करके रखा है, क्योंकि मेरे साथ मुझे पता था कि जब मैंने मंगवाया पहली बार तब ये उसका बॉक्स की साइज़ ज़्यादा थी, जब इसका रिटर्न आया तब बॉक्स की साइज़ कम थी, तो पता चल गया था मेरे को कि ये मेरे साथ कुछ झोल हुआ है। तो अभी हम करते हैं कस्टमर केयर में फ़ोन। तो मैंने जैसे कॉल लगाया और ये कॉल आ गया है, देख रहे हो, तो हम इसका कॉल करते रिसीव और मैं इसको सेवा में आपका स्वागत है। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार आपका का ऑर्डर आपको फ्राइडे जुलाई 30th को डिलीवर कर दिया गया था। यदि आप इस ऑर्डर को वापस करना चाहते हैं तो 1 दबाएं। यदि आपको अभी तक आपका ऑर्डर नहीं मिला है तो 2 दबाएं। अगर आपको और मदद की ज़रूरत है तो 8 दबाएं। आपके नोवाउंड 1148 ट्रिमर प्रोडक्ट की जानकारी के लिए कृपया 1 दबाएं। आपके रेपोनिक्स ड्यूल कोर मदरबोर्ड प्रोडक्ट की जानकारी के लिए कृपया 2 दबाएं। जैसे उन्होंने बोला, हमने फ़ोटो अपलोड करके उनको भेज दिया है, क्योंकि ये मेरे साथ थर्ड टाइम हुआ है, क्योंकि पहली बार हुआ है, पहले भी हुआ था, ये थर्ड टाइम ऐसा है, थर्ड टाइम, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अमेज़ोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आता है ये चीज़, क्योंकि बार बार कस्टमर के साथ धोखा करे ये नहीं पॉसिबल है। दो मिनट का होल्ड बोला है, देखते क्या करते ये। नहीं नहीं, आप मुझे रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कराएंगे? नहीं, मेरे को क्या, आप मेरे को वेट करना पड़ेगा रिप्लेस? कितने दिन में मेरे घर पे आएगा? नहीं सर, ये देखो सर, मैं यहाँ पे देखो, लास्ट टाइम भी आपने मेरे को आप बुलाया, लास्ट टाइम एक मेरा एक मदरबोर्ड का ऑर्डर, आप देख सकते हो मैंने कब ऑर्डर किया था, कब मेरे को रिप्लेसमेंट मिला, उसके सामने भी मेरे को क्या आधी अधूरी आइटम मिली है, आप देख सकते हो। टाइम की वैल्यू है कि नहीं आपके पास, समझ में नहीं आ रहा है? मैं यहाँ से ऑर्डर मेरी देख रहा हूँ, मैं मेरे को ये आइटम चाहिए था, मदरबोर्ड का कॉम्बो, ठीक है, मैंने फर्स्ट ऑर्डर मैंने कब किया आप देख सकते हो, कब किया था मैंने। उससे पहले एक मदरबोर्ड का मेरा है ज़ेब्रोनिक्स 945 का, जो 3899 वैल्यू है उसकी, मैंने कब ऑर्डर किया था मेरे को बता सकते हो आप? हाँ, 24 जून। और आज सर कौन हुआ, कौन सी डेट हुई आज? आज हुई है 30 जुलाई। मैं कितना वेट कर रहा हूँ मेरे को आप बता सकते हो? कम से कम 1 महीना ऊपर हो गया है मेरे को ये आइटम, क्या 1 महीना क्या मैं वेट करूँगा क्या? वापस से मैंने थर्ड टाइम ये मैंने मंगवाया, तब भी मेरे साथ ऐसा हुआ फ्रॉड, समझ सकते हो सर? बार बार फ्रॉड हो रहा है, बार बार फ्रॉड हो रहा है। टाइम की वैल्यू नहीं है आप में? टाइम की वैल्यू क्या होती है? क्या माफी, माफी से क्या हो गया मेरे को बताइए, माफी से क्या होगा मेरे को बताएंगे आप? माफी करेंगे आप? माफ, आप गलती करने के बाद सॉरी बोल दोगे, क्या मतलब रहेगा? नहीं तो आप ऐसे सेलर को अप्रूव क्यों करते हो? बंद कर दो ये प्रोडक्ट बेचना। प्रोडक्ट ही ऐसे क्यों बेचते हो? एक तो सेकंड हैंड मेरे को प्रोडक्ट मिला है, ऊपर से मेरे को आधा अधूरा मिला है, समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को? मेरे को कितने दिन में मेरा आइटम मिलेगा मेरे को बताओ, मेरे को कितने दिन में मिलेगा? अभी
हमने कस्टमर केयर में बात की तो उन्होंने जो फास्टेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था वो ऑप्शन में रिप्लेसमेंट देने की कोशिश की है। अब देखते हैं 3 अगस्त को नया आता है, पुराना आता है या आधा अधूरा आता है, तो हम उस टाइम पे देखेंगे। लेकिन ये सबसे उससे पहले ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा मेरी चैनल पे, ताकि सब लोगों को पता चले कि ऑनलाइन फ्रॉड कैसे होता है। क्योंकि मैंने मदरबोर्ड मेरे को पुराना मिला, आप देख सकते हो ये पुराना है, सेकेंड हैंड है। और सेकेंड हैंड मदरबोर्ड क्या मतलब है इसका, इसकी वैल्यू कितनी है आप देखने जाओगे, 1000 रुपये मेरे को चार्ज कितने की है, 7500 रुपये, 7500 की वैल्यू में ये मेरे को मिला है। ये आप देख रहे हो, ये जो फ्रॉड हुआ मेरे साथ। गाइस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके साथ भी कभी कहीं किसी ने ऐसा फ्रॉड किया है वेबसाइट वालों ने, फ्लिपकार्ट हो या अमेज़ोन हो, कॉम्बो सेल करते हैं ये अमेज़ोन में, अगर ऐसे सेलर अप्रूव करते हैं तो क्यों रखते हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्यों रखते हैं सेलर, बंद कर देना चाहिए अमेज़ोन को ये सब। तो टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।